मध्य प्रदेश में शिक्षकों का बुरा हाल है, जहां पर कई शिक्षक अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वे अपने हक की लड़ाई के साथ पैदल यात्रा निकाल रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार उनकी स्थायी समस्याओं का निराकरण करें, लेकिन प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसके बावजूद भी शिवराज सरकार इन बेसहारा शिक्षकों की मांग पूरी नहीं कर रहे हैं। इसी के चलते उन्हें मध्य प्रदेश के कई हिस्सों से पैदल यात्रा निकालकर भोपाल तक जाना पड़ रहा। हालांकि शिवराज सरकार मध्य प्रदेश के हर कर्मचारियों की मांग को पूरा कर रही है और विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने की तैयारी कर रही है, तो वहीं भाषाई शिक्षकों की मांग पूरी नहीं होने पर वे मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से पैदल यात्रा करके भोपाल पहुंच रहे हैं। अनुसूचित भाषाई शिक्षकों का कहना है कि हमारी कई मांगे हैं, उन्हें पूरा किया जाए, अन्यथा हम प्रदेश सरकार के खिलाफ भोपाल में एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। भाषाई शिक्षकों ने ग्लोबल इंडिया टीवी से क्या कुछ कहा, आप भी देखिए शिवपुरी जिले से विशेष संवाददाता दिनेश मिनारा की खास रिपोर्ट। जय जयकार आ रहा है, भारत देश हमारा है, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, भाषाई शिक्षकों को नियमित करो, भाषाई शिक्षकों को नियमित करो। मेरा नाम भान सिंह सहरिया है। आप पैदल लोग जा रहे हो, क्या कहाँ जा रहे हो, क्या है मामला? हम सभी सहरिया भाषा शिक्षक हैं, जो ग्वालियर चंबल संभाग से हैं, मुरैना संभाग से हैं, और हमारी मांग ये है कि जो सहरिया भाषा शिक्षक 2008 से आदिम जाति कल्याण विभाग के माध्यम से आदेश अनुसार शासकीय प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त किए गए थे, वर्ष 2014 से इन सभी शिक्षकों को शासन ने सेवा समाप्त कर दी, तो 2014 से सभी शिक्षक बेरोजगार हैं, और बीच में जो भाषाई शिक्षकों के 286 पद शासन ने सृजित भी किए थे, लेकिन उन सृजित पदों पर आज दिनांक तक कोई भी भर्ती नहीं की गई। इसी संबंध में इससे पहले माननीय शिवराज सिंह जी ने सेसई पड़ोरा की 2017 में उपचुनाव में घोषणा की थी कि सभी 286 भाषाई शिक्षकों को सृजित कर पदों पर नियमित किया जाएगा, लेकिन अभी तक ना नियमित किया गया। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमें नियमित किया जाए और जो सृजित पद किए गए शासन द्वारा उन पे हमें रखा जाए और योग्यता अनुसार रखा। आप कहाँ से पैदल जा रहे हैं? हमने ये यात्रा शिवपुरी जिले से स्टार्ट की है और भोपाल तक के लिए की है। क्या है आपकी अगर मांग पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे आप? अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग वहाँ पे भोपाल में धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। क्या नाम है आपका? भान सिंह सहरिया। कहाँ रहते? अशोक नगर चंदेरी। और धरना प्रदर्शन किया था अनिश्चितकालीन कलेक्ट्रेट पर, तो ग्वालियर में, वहाँ पे माननीय तुलसीराम जी सिलावट जी आए थे, वहाँ उन्होंने कहा था कि आप ये धरना किस विषय में चल रहा है, तो हमने हमारी मांगों से माननीय मंत्री जी को भी अवगत कराया था, लेकिन माननीय मंत्री जी ने ये हमको आश्वासन दिया था कि आपकी ये जो भी मांगे हैं एक माह के अंदर आपकी सारी मांगे का निराकरण कर दिया जाएगा और मैं इसकी जवाबदारी लेता हूँ, लेकिन दो माह बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई किसी भी प्रकार की नहीं की गई। इस वजह से हम सभी शिक्षक नाराज़ हैं और हमने वहाँ पे कहा था कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तो हम अगले माह में पैदल यात्रा भोपाल के लिए जारी ठीक करेंगे। ठीक, आप पैदल जा रहे हो, कहाँ से जा रहे हो और क्यों जा रहे हो? हम सर शिवपुरी ज़िले से स्टार्ट किया था हमने 14 तारीख में, आज हमें छठवा दिन है और हम भोपाल जा रहे हैं, हमें 24 तारीख को भोपाल पहुँचना है। क्या है आपकी मांग? हमारी सर मांग यही है कि जो सृजित पद 2018 में उन्होंने कर दिए और अभी तक नियुक्ति और ना नियमितीकरण किया ना नियुक्तियाँ दी, तो हमें अगर आप उसमें शर्तें लगा रहे हैं वो लोग, जैसे हम उस शर्त को नहीं पूरा कर पा रहे हैं, तो हमें योग्यता के आधार पर कर दीजिए। आप एक तरफ बेरोजगारी की बात करते हो और रोज़गार देना नहीं चाहते हो किसी को, जबकि शहरियाओं की सीधी भर्ती का प्रावधान है, उसमें भी आप नहीं करना चाहते। अभी भर्तियां निकली उसमें फॉरेस्ट में, लेकिन उन्होंने सिर्फ 100 पद भरे 300 पदों में से। मुख्यमंत्री अभी चुनाव आ रहे हैं, इसमें हर लोगों के मतलब जो मांगे पूरी कर रहे हैं, क्या लगता है आपको आपकी मांग पूरी होगी? हमें लगता है कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी सुनेंगे, हमारा संघर्ष जारी है, और अगर नहीं सुनते हैं तो हम वहाँ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे भोपाल में।
कितने लोग ऐसे जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं? अभी हमारे साथ 40 से 50 लोग हैं और अब हमारे साथ विदिशा में कम से कम 200 से 300 लोग और हो जाएंगे और भोपाल में लगभग 500 से 700 लोग एकत्रित होने का हमें वो है। कब तक चलेगा आपका ये आंदोलन? जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती। क्या नाम है आपका? आकाश आदिवासी, शिवपुरी जिले से। ठीक।